बोलिए सत देव की जय बंदनी सं आदेश पालन हेतु कुछ क्षण साधु के संग क्यों किया गया है साधु का संग केवल कल्याण के लिए ही किया गया है अपने आत्मा के उद्धार के लिए घर में परिवार के बीच में खाने पीने कोई कमी नहीं थी हर इंसान के धन जन कुटुंब असार लखी जान दुखन को मोल अब कस भूलियो ताही में जो देते नितसूल पूजा सेवा पाए जो होय खुशी नहीं लीस वही गुरुन के गुरु अहे मन के शत्रु हमेश संत सुखी गुरु ज्ञान में जहान दुख को नाम ज्ञाने करे आहार नित बसे ज्ञान के धाम मन की भूख मिटाई के तनकी को नहीं झंक प्रारब्धि पुरुषार्थ पुरषार्थ सत तेबल सदा असंख साधु के संग गुरु के संग आने का कारण क्या है हर साधक जो गुरु के शरण में आए हैं चिंतन किया विचार किया धन जन कुटुंब असार लखी इशार नहीं है जितना भी मिला है वैभव प्राणी और पदार्थ के रूप में सब क्षण भंगुर है ना है आज है और कल नहीं रहेगा कल के राजा बने हुए हैं आज राह के भिख मंगे रेशम आज पहनते वाले फिरते कर दर दर कल नंगी किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है बहुतों को देखा गया जिंदगी में राजा रंक हो जाते हैं और रंक राजा बन जाते हैं इसका सही उदाहरण आज राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई देता है कल तक राजा थे वायुयान का सफर होता था सड़क पर नहीं आकाश मार्ग से दौड़ता था चुनाव हुआ हार गए सड़क पर आ गए और सड़क में चलने वाले ऊपर आकाश मार्ग में दौड़ रहे हैं एकदम सही सटीक उदाहरण है कल के राजा बने हुए हैं आज राह के मंगे रेशम आज पहनने वाले फिरते दर दर कल नंगे किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है बड़े बड़े संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है सब मिट्टी में तो संत गुरुजन जो अपने सारी वैभव को छोड़ के आए हैं तो धन जन कुटुंब असार रखी जान दुखन को मूल ये दुख का ही कारण है इसमें रिझना परिणाम क्या होगा खिजना होगा पश्चाताप करना होगा प्री से प्री का वियोग होना पक्का है जब पक्का है वियोग होगा तो तड़पना भी होगा क्योंकि मोह है आशक्ति है और यही बंधन के कारण है तो सदगुरु ने कहा धनजन कुटुंब असार लखी जानी दुखन को मूल यही दुख का कारण है लेकिन कारण दुख का है जान गया गुरु के संगत में आ गया शरण में आ गया लेकिन आकर के पुनः वही माया फिर खींचने लगा अब कस भूल्यो ताही में फिर से उसी में भूल गया हम गुरु के शरण में आए क्यों आए कल्याण के लिए लेकिन यहाँ पर आने के बाद फिर किंचित माया मिलने लगी और इस माया को पा करके फिर उलझने लगे फंसने लगे अब कस ताहि में जो देते निशसूल अब पीड़ा का कारण फिर बन गया पूजा सेवा पाए जो हो वही गुरु के गुरु अहे मंद के शत्रु हमेश लेकिन सब नहीं भूलते हैं सब नहीं भूलते हैं बिरड़े बिरड़े पाई या माया त्यागी संत माया को त्याग करके ये माया जो मिला है ज्यो आवे त्यों फेरी हो आता है उसे फेरता रहता खर्च करता रहता है संग्रह नहीं संग्रह जीवन का दुख का कारण है और ज्यों आया त्यों फेरता गया रखा नहीं संग्रह रहित जीवन सुखी जीवन का लक्षण है तो इस प्रकार सदगुरु ने कहा कि जो कुछ पूजा सेवा पाए जो हो खुशी नहीं लेश वही गुरु के गुरु अहे मन के शत्रु हमेश लेश मात्र भी खुशी नहीं आया है अच्छा है मिला है क्यों मिला है खर्च के लिए मिला है खर्च करो खर्च करो खर्च में जहां जहां उचित समझते हैं वहां पर खर्च करते रहते हैं तो होए खुशी नहीं लेस वही गुरु के गुरु अहे मन के शत्रु हमेश हमेशा मन के शत्रु ये मन ही तो नचा रहा है मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंद मोक्षो मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष के कारण है ऐसे ज्ञानी जन जो हमेशा अंत दशाली आदि में सोई साच बैराग सो सुखियाती हूं लोक में जाको निश्चय त्याग कंथा अरु कौपीन हो जाको मिला न कोई वृत्तिद्र होते अधिक तृप्त चलत नहीं शो अन इच्छा जो मिलत है बिना इच्छा के जो मिल रहा है और मिल रहा है उसे खर्च कर रहा है क्यों अंत में छोड़ना ही है संग्रह करके फिर लोभ और मोह बढ़ेगा इसलिए खर्च तो अंत दशाली आदि में सोई सांच बैराग वही सच्चे बैरागी है हर क्षण लिया मृत्यु मन से वो कफनी लपेटी कसे आड़ बंद वो वृत्ति समेटी चिता चित्त पे अब अधिक पैर धारी सो अंतिम घड़ी आ गई है हमारी अंतिम घड़ी हर क्षण दिखाई दे जिसको क्या पता श्वास अगला श्वास आए कि ना आए वर्तमान हमारा जो श्वास चल रही उसमें अच्छे चिंतन हो अच्छे विचार हो हर क्षण हर श्वास का कीमत समझी, तो इस प्रकार से सदगुरु ने कहा पूजा सेवा पाए जो हो ए, खुशी नहीं लेस वही गुरु के गुरु अहे मन के शत्रु हमेश संत सुखी गुरु ज्ञान में जहान दुख को नाम ज्ञाने करे आहारणित बसे ज्ञान के धाम संत हमेशा संसार में दुखी सब है केवल जो दुख नहीं जिसके अंतकरण में है वही संत है संत कौन है श्रोता कहिए संतों को श्रोता संत श्रोता शांत स्वरूप श्रोता कहिए जीव को जो निर्वारत निज रूप सदगुरु श्री पुरन साहब ने कहा संत कौन है जो निज रूप का निर्वारण करते हैं हमेशा उसी में ही ध्यान होता है जो दुख का अनुभव नहीं करता है हमेशा प्रसन्न दुख में भी मुस्काता पंछी पल पल गुरुगुण गाता ज हर क्षण दुख में भी मुस्कुराता है आया ये भी नहीं रहेगा ये भी नहीं रहेगा ये भी, भी नहीं रहेगा दुख आता है आज है कल नहीं रहेगा सुख है वो भी नहीं रहेगा दुख में मत घबराना पंछी यह जग दुख का मेला है चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है अकेला उड़ना है इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है तो संत सुखी गुरु ज्ञान में जहां न दुख को नाम ज्ञाने करे आहारणित बसे ज्ञान के धाम उसका असली आहार क्या है हमेशा आत्मचिंतन आत्मचिंतन ही उसका आहार है तन की भूख तो तनिक है तृप्ति पाव या शेर मन की भूख अता अथाह है तृप्ति न पाव सुमेर इसलिए हमेशा संत है मन को देखता रहता है मन कहाँ कुछ मुझे कहां फंसा न दे हमेशा सावधान सतत सावधान तो सदगुरु अंसाखी में कहते हैं मन की भूख मिटाई के तन की को नहीं झंख प्रारब्धि पुरुषार्थ सता तहिबल सता असंख मन की भूख मन की भूख क्या है इच्छा कामना चाहना वासना ये सब मन की भूख है इसको संत जन है गुरु जन है आत्मकल्याण थी है जिसे शांति का निरंतर ख्याल है उसके मन में न हर्ष होता है न शोक होता है इच्छा कामना चाहनाओं को त्याग कर देता है और तन के लिए कभी झंखता नहीं है सोचता नहीं है मन की भूख मिटाई के तन की को नहीं झंख कभी सोचता नहीं कल कैसे होगा आज तक जन्म लिया तब से आज तक कभी शिशुपन में जब गर्भ से माँ के गर्भ से बाहर आया शिशुपन था और उसी समय जन्मत होते ही इतना अंबार धन जन प्राप्त हो गया आज तक कभी भी रोटी धोती छाया के लिए सोचना नहीं पड़ा खूब मिला मिल रहा है और आगे भी मिलेगा तो मन की भूख मिटाई के तन की को नहीं के लिए झंकना नहीं पड़ेगा सोचना नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि प्रारब्धि पुरुषार्थ सतह अटल है प्रारब्ध अटल है लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ करती रहो जैसे पुरुषार्थ क्या है संसार में जो माया में माया लेकर के चल रहे हैं आश्रम दो है गृहस्थ और विरक्त जो गृहस्थ आश्रम है जो लोग रहते हैं उसका व्यवसाय रोटी धोती के लिए क्या है धन चाहिए तो खेती नौकरी और व्यापार है खेती नौकरी व्यापार से धनोपार्जन करता है जिसके द्वारा रोटी धोती और छाया के व्यवस्था होता है लेकिन संतों के लिए खेती नौकरी व्यापार की आवश्यकता नहीं है कभी नहीं है जिंदगी में आज तक जो गुरुजनों के साथ में रह करके के देख लिया खेती करने की जरूरत नहीं है ना नौकरी न ना व्यापार भ्या, की उसके लिए सच्चे साधना करने की आवश्यकता है सेवा स्वाध्याय और साधना जितना हो सके सेवा करें तन से मन से बचन से और जो कुछ संसार के प्राणी देते हैं गृहस्थ आश्रम से हमें मिलता है वह धन मुझे मेरा नहीं है कुछ भी मेरा नहीं है वे गृहस्थ अपने चित्त शुद्धि के लिए संतों को देते हैं क्यों देते हैं संतों का भेष उज्ज्वल भेष है तो उज्जवल भेष उज्जवल रहनी हम तो गृहस्थ आश्रम में डूबे हैं एक दिन के लिए माया मोह को त्याग नहीं कर पाते हैं संत कितना ऊंचे ऊपर उठ चुके हैं सब कुछ को त्याग करके तो कितना ऊंचे भावना लेकर के हमको देते हैं गृहस्थ आश्रम से मिलता है उसमें से एक कौड़ी भी मेरा नहीं है एक कौड़ी भी मेरा नहीं अन्यथा खर्च करने का उसका मैं अधिकारी नहीं हूँ जो मिल रहा है वह मुझे नहीं मिल रहा है गुरु कृपा है मेरा उज्ज्वल भेष जो है गुरु का दिया हुआ है तो गुरु का दिया हुआ भेष को देख करके मुझे मिलता है तो भेष देख के देते हैं तो मेरा नहीं है <coughs> इसलिए मुझे अन्यथा खर्च करने का उस धन का मैं अधिकारी नहीं हूं उचित खर्च करें सेवा सेवा में तन से मन से बचन से और धन से जो मिलता है जो मिला शक्ति सारे शक्ति का धन खर्च समाज सेवा में ही हमें लगाना है समाज सेवा में लगाना है सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी मुझे एक बार नहीं अनेकों बार मुझे ही नहीं समाज को भी हमेशा कहते थे कभी भी रोटी धोती छाया का चिंता नहीं करना ये सब घलहे का चीज़ है घल्वे का चीज़ है घलवे कहते हैं पुरौनी जैसे एक किलो कोई सब्जी खरीदा परवर आलू आदि खरीदा तो कहते हैं थोड़ा सा धनिया दे दो चाटू मिर्चा दे दो उसका पैसा लेते नहीं है वो घरवे का चीज पुरौनी है उसी प्रकार से साधु है साधना पथ में जितना अधिक चलेगा तो रोटी धोती छाया के लिए खूब मिला है खूब मिलेगा ये गुरु कृपा है कभी भी कहीं भी हाथ पसारने की आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं आज मेरे जीवन में भी मैंने देखा प्रैक्टिकल करके सक्रिय आश्रम में आया 2004 से आज तक जो कुछ भी यहाँ विभूति दिखाई देता है वो मेरा कोई भी पुरुषार्थ नहीं है बस सब गुरु कृपा है गुरु कृपा है और भक्तों की सहयोग है मेरा उसमें कुछ भी नहीं है एक कौड़ी भी नहीं है न तन से न मन से न बचन से न धन जो मिला है उसके लिए न खेती नौकरी व्यापार कुछ भी नहीं मिला है तो सेवा स्वाध्याय और निरंतर सत्साहित्यों साहित्यों का अध्ययन करते रहना और आत्मचिंतन करते रहना है ये सब स्वाध्याय है और साधना मन और इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल करके रखना कहीं भी लोभ मोह अहंकार ना आने दे एक गुरु का आदेश है तो इस प्रकार से सेवा श्रद्धा साधना ही पुरुषार्थ है ये पुरुषार्थ हम करते रहेंगे और प्रारब्ध अटल है जो होना है वो हो करके रहेगा हो करके रहेगा जब जिस क्षण जिस क्षण दुख सुख मिलना है मिलेगा ही मिलेगा अकाठ्य है इसलिए अपना कर्तव्य के पालन करते रहें सेवा स्वाध्याय और साधना इसलिए सदगुरु ने कहा कि मन की भूख मिटाई के मन की भूख इच्छा कामना चाहना को मिटा डालो तनकी को नहीं के लिए जरा भी झंकना नहीं पड़ेगा सोचना ही नहीं पड़ेगा चाहे मैं इस आश्रम में अकेले रहूं जब मुझे जान करके दस नहीं बीस नहीं हजार भी आ जाए सबके लिए रोटी धोती छाया मिलेगा ही मिलेगा निश्चय है अटल है कहीं भी हाथ पसारने की जाने की आवश्यकता नहीं समाज जानता है जानने हैं और तुरंत आ जाते हैं देने के लिए कभी कम नहीं पड़ा तो इस प्रकार से तन के कोई नहीं झंक प्रारब्धि पुरुषार्थ बल सदा असंख प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों बिल्कुल अटल सत्य है अटल सत्य है इसलिए हर साधक हम सब साधक हैं साधना पथ में चल रहे हैं अभ्यास करें जीवन मुक्ति का और जीवन मुक्ति का अभ्यास करते 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 साधना पथ में उत्तीर्ण हो जाए तो इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त होना पक्का है पक्का है इसी जीवन में ये गुरु का आदेश है हमें विश्वास के साथ निरंतर गतिशील रहना चाहिए एक बार अवसर मिला है इस प्रकार से गुरुओं ने हमें मार्ग दिया है और वह मार्ग में शंका न करें शंका बिल्कुल ना करें विश्वास करके गुरु संतों में सिद्धांत में हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट कपट कुरंगी मानवा परखत निखरा खोट हीरा वही प्रशंसनीय है सिद्धांत वही प्रशंसनीय है साधु वही प्रशंसनीय है जो तर्कों की चोट से और कहीं भी प्राणी पदार्थ के लोभ और मोह अहंकार में विचलित न हो वही हीरा है वही साधु है वही प्रशंसनीय है घनों की चोट तर्कों की सोट चोट से जो न घबराए आगे बढ़े सिद्धांत अटल है और माया मोह का जो त्याग अटल है त्याग ही असली हमारी संपत्ति है असली संपत्ति है जो गुरुजन हमारे हो चुके हैं वो साक्षात उदाहरण है हमारे सामने में उन जिनके जिन गुरुजनों के संग साथ में हम जीवन बिताए जीवन जिए उन गुरुजनों का जो जीवन त्याग में वैराग्य में साधना में देखा जिसके कारण से इतने विभूति धन और जन मिला जो अपार है केवल त्याग के बल पर त्याग और वैराग्य ज्ञान तो हो गया गुरु के द्वारा आत्मज्ञान सिद्धांत में अटल हो गया तो साथ साथ त्याग वैराग के द्वारा उसे जो कुछ मिला वह हमारे सामने में एक उदाहरण है ही हमने बहुत गुरुओं को देखा है जिनके जीवन पथ चिन्हों पर चल रहे हैं तो हमें भी विश्वास के साथ ऐसे गुरुजनों के पद चिन्हों को कभी भी छोड़ के विपरीत दिशा में नहीं चलना है और आशा नहीं विश्वास के साथ लगन के साथ चलते रहें तो अवश्य होए पार अवश्य हम पार होकर के रहेंगे मन की भूख मिटा करके इस प्रकार से सदगुरु संतों ने जो हमें अमृत वाणी पिलाया है उस पर नर, निरंतर ध्यान चिंतन करते हुए अपने यात्रा को गतिशील रखना है पीछे लौटना नहीं है निरंतर आगे बढ़ें रुको मत और लौटो भी मत सदगुरु का आदेश है रुको भी मत और लौटो में मत हमेशा गतिशील रहो तो एक न एक दिन तुम्हें भी मंजिल मिलेगा ये गुरु का आदेश है उपदेश है उस मार्ग है, में निरंतर हमें चलना चाहिए बोलिए सत गुरुदेव की जय साहे बंदन हो छान छ जो जन जहाँ से आए हो सोता कर उपयान वंदनीय गुरु दे तुमको वंदनीय गुरु दे वेद शास्त्र सब खोजत हारे वेद शास्त्र सब खोजत हारे मरमन जानत के ब तुम को मरमन जानत के ब तुम को बंदनी है गुरु गुरुदेव बंदनी है गुरु को गुरु समान को दाता गुरु समान योर को दाता ताकि करिए से बु ता करिए से बुम को बंदनीय गुरु दे। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहिब कबीर या भय पद दाता साहिब कबीर या भय पद दाता पूरण परख समे तुमको पूम को वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बोलिए श्री सदुर की जय साहेब thank <laughs> you